हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, ये स्क्वायर में और एक्स में दिया रहता है, तो बहुत बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना। लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे अभी तक के सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व किए वैसे इसे भी फटाफट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 2 के पावर में x और x के पावर में स्क्वायर दिया अपॉन 4x इक्वल क्या दिया है, 16 दिया है। तो हमारा क्या करना है, वैसे 2x स्क्वायर को वैसे ही नोट कर देना है, 2 के पावर में x और उसके पावर में स्क्वायर वैसे ही नोट कर देना। हाँ, अब यहाँ जो 4 दिया है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2x लिख सकते हैं। x हमारा पहले से अवेलेबल है और 2 हम 4 के पावर में कर दिए हैं इक्वल। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में 4 करेंगे, क्योंकि 16 का जब एलसीएम करेंगे तो 2 के पावर में 4 आएगा। अब ये जो हमारा 2x है इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 के पावर में x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। हाँ, इक्वल हमारा 2 के पावर में 4 वैसे ही रहेगा। जब दोनों साइड 2 होता है तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2x और फिर उसके बाद इसको बराबर किधर ले आएंगे, इक्वल किधर, माइनस 4 इक्वल 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इतना तो निकल गया, इसके बाद गुणनखंड करना है, लेकिन गुणनखंड इसका नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मूल बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, मूल बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए पहले ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए बराबर हमारा क्या दिया, 1 दिया है, बी बराबर क्या दिया, माइनस 2 दिया, और सी बराबर क्या दिया, माइनस 4 दिया। जो स्क्वायर के साथ होता है वो ए की वैल्यू होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी की वैल्यू होता है, और जो अकेला होता है वो सी की वैल्यू होती है, क्योंकि ये इस रूल पे डिपेंड होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूल पे डिपेंड होता है। इसीलिए एक्स स्क्वायर के आगे ए होता है इसलिए ए की वैल्यू होगी, एक्स के आगे बी होता है इसलिए बी की वैल्यू होगी, और सी हमारा अकेला होता है इसलिए सी की वैल्यू होगी। फॉर्मूला हमारा मूल बिंदु वाला क्या होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होगा, 2a होगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। इधर साइड में हम आपका क्वेश्चन कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो बी दिया है, हाँ, बी की जगह पे हमारा क्या दिया, माइनस 2 दिया, ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, प्लस माइनस हमारा वैसे रहेगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस ये वाला 4 वैसे रहेगा। ए की जगह पे हमारा क्या दिया, 1 दिया, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही आएगा। सी की जगह पे हमारा क्या दिया, माइनस 4 दिया, तो यहाँ पे गुणे क्या लिख देंगे, माइनस 4 देंगे, बटे वैसे लगा देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ए की जगह पे 1 दिया है। हाँ, फिर अगली लाइन से करेंगे, 2 हमारा वैसे रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 वैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 16 और 4 को जोड़ देंगे, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, उसके 0 एक एक मिलकर 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 20 का एलसीएम कर लेंगे, 20 का जब एलसीएम करेंगे तो हमारे यहाँ साइड में कर देते हैं, 2 से करेंगे, 2 दहिया में 20, 2 पच्चे 10 और 5 करना में 5, तो हमारा ये जो 2 पेयर बनना है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये 2 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 5, ये हमारा आंसर है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।